आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। देश भर में चल रहे किसानों के समर्थन को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के समर्थन देने व अपनी टीम के साथ जाने की घोषणा सोशल मीडिया पर करने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा को उन्हीं के निवास पर नजरबंद किया। हमारे धरना प्रदर्शन और काले कानून सरकार द्वारा जो पास किए गए हैं, इसके खिलाफ हमारे लगातार चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, पंचायत किए जा रहे हैं। और आज भी हमारा एक चक्का जाम भोपरा दिल्ली बॉर्डर पर था। जब हमने मैसेज किया तो हमारे घर पर, हमारे निवास पर पुलिस बल द्वारा हमें नजर बंद कर दिया गया 3-4 घंटे। जब हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगा तो उन्होंने भोपरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे उसकी कस्टडी पर हमें वहां छोड़ दिया गया भोपरा। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विज्ञान भवन में कृषि मंत्री जी के साथ आज मीटिंग थी। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो आगे की रणनीति होगी, उनके आदेश अनुसार आर पार की लड़ाई की जाएगी। जिसकी सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भोपरा बॉर्डर को जाम कर दिया, जिनकी मांग थी कि सचिन शर्मा को सुरक्षित उनके बीच लाया जाए, जब ही यह जाम खोला जाएगा। जिसको देखते हुए अधिकारियों ने आनन फानन में सचिन शर्मा को भोपरा बॉर्डर पर अपने साथ लेकर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर लगा हुआ जाम खोल दिया गया। वहीं सचिन शर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह किसानों का एक संगठन है जिसको लेकर किसानों की बात दिल्ली तक रखी जाएगी। आगे भी इसी प्रकार का संघर्ष जारी रहेगा। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।